आज मैं आपको एक अंधे भिखारी की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक अंधा भिखारी होता है जो रोजाना भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। एक दिन वो एक बिल्डिंग के बाहर बैठ जाता है और अपनी टोपी नीचे रख देता है। लोग उधर से आते हैं, कुछ लोग उसको डोनेट करते हैं, मैक्सिमम लोग उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। उस बिल्डिंग के सामने एक दूसरी बिल्डिंग होती है जिसमें एक लड़का काम करता है। अब वो लड़का उस भिखारी को देखता है तो देखता है कि उस भिखारी के पीछे एक बोर्ड रखा हुआ होता है। उस बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि आई एम ब्लाइंड, प्लीज डोनेट मी, मैं अंधा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अब वो सोचता है कि यार इस शहर के लोग कितने अजीब हैं, ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करके जा रहे हैं जबकि इस बंदे को मदद की काफ़ी ज़रूरत है। पहले वो अपनी तरफ से उसको कुछ डोनेट करता है, फिर जो उसके पीछे बोर्ड रखा हुआ होता है उसको मिटाकर उस पर कुछ नया लिख देता है और अपने ऑफिस चला जाता है और अपना रोजाना के कार्य में व्यस्त हो जाता है। अब शाम को ऑफिस के बाद जब वापिस आता है तो सोचता है कि यार चलो उस भिखारी से मिलके चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब वो देखता है कि जो भी लोग उधर से गुजर रहे हैं कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर रहा है, सब उसको कुछ ना कुछ डोनेट करके जा रहे होते हैं। अब वो अंधा भिखारी उस लड़के की आहट पहचान लेता है और बोलता है कि भैया आप तो वही हो जो सुबह आए थे, आपने मेरे बोर्ड पर ऐसा क्या लिख दिया कि इधर से कोई भी लोग बगैर मुझे कुछ ना कुछ दान किए खाली हाथ नहीं जा रहा है। अब वो लड़का उसको बताता है कि मैंने लिखा टुडेज डे इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट आई कांट सी इट, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता। पहले लिखा हुआ सेंटेंस और बाद में लिखा हुआ सेंटेंस एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन बाद में लिखा हुआ सेंटेंस लोगों को अपनी ओर ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था और डोनेट करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो फ्रेंड्स, हमें यह कहानी यह सीख देती है कि अपने काम को थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ करो, अपना काम करते रहो लेकिन उसको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से करो। यह सोचो कि हम थोड़ा अलग क्या कर सकते हैं और औरों से थोड़ा डिफरेंट करो ताकि औरों से बेस्ट कर सकें। इस स्टोरी को हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।